आसिफ भाई, जिस तरह से मुंबई के अंदर बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं जो चैरिटेबल हैं, आज आपने हयात हॉस्पिटल के नाम से इस हॉस्पिटल की ओपनिंग की है, किस तरह की व्यवस्था रहेगी इस हॉस्पिटल में और कैसे किन किन चीज़ों के डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, मैं डॉक्टर आसिफ पोची, डायरेक्टर अल हयात हॉस्पिटल ICCU एंड LLP। आज हम लोग कौसा में सुरमे प्लाजा इसमें अल हयात का ओपनिंग कर रहे हैं। अल हयात में हमने इसको डे केयर, पॉलीक्लिनिक, ऑन्को केयर, मुमरा में इनफर्टिलिटी सेंटर नहीं है तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि मुमरा में इनफर्टिलिटी सेंटर चालू किया जाए और यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स है उनकी हम लोग सेवा मुहैया करने जा रहे हैं। उसी के साथ साथ हमारे यहाँ पर 24/7 मेडिकल स्टोर रहेगा, उसके साथ साथ यहाँ पर लैब रहेगा, यहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर, सोनोग्राफी, एक्सरे, ये सब फैसिलिटी हम यहाँ पर मुहैया कराएंगे। डॉक्टर साहब, देखिए जिस तरह से जब भी किसी नए हॉस्पिटल की ओपनिंग होती है तो उसमें सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के नाम आते हैं, लेकिन कुछ दिन चलने के बाद वो डॉक्टर कहीं ना कहीं जो है गुल हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से भाई ने क्वेश्चन किया है कि सुपर स्पेशलिस्ट की सेवा उपलब्ध नहीं होती है, मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि पिछले 2 साल से हम 200 हॉस्पिटल रन कर रहे हैं और वहाँ पर हमारे पास हर प्रकार के सुपर स्पेशलिस्ट अवेलेबल है। तो हमने ये सेंटर और एक सेंटर इसलिए खोला है कि सुपर स्पेशलिस्ट और डॉक्टर्स हम लोग और जगह से, जैसे थाना है, वाशी है, कल्याण है, यहाँ से उनको यहाँ बुला के उनकी सेवा मुहैया करो। और ये सेंटर्स हमारा चैरिटेबल सेंटर नहीं है, ये एक प्राइवेट सेंटर है, बट चार्जेस हम जिस तरह से थाना में चार्जेस है, मुंबई में चार्जेस है, वो चार्जेस उससे चार्जेस यहाँ कम रहेंगे। चार्जेस का मैं गारंटी लेता हूँ कि हम चार्जेस बहुत कम रेट में रखेंगे बट चैरिटेबल नहीं करेंगे। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, कभी इन केस कोई मरीज़ आपके वहाँ अगर आता है और उसकी माली हालत तो आप देखते नहीं हो, आप एडमिट कर लेते हो, और कभी इन केस ऐसा केस आता है कि उसकी माली हालत बहुत ख़राब है और जिसकी वजह से उसको डिस्चार्ज नहीं दिया जाता, तो उसके लिए आपका जो हॉस्पिटल है किस तरह का सपोर्ट करता है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँ कि पिछले 2-2.5 साल से दौसूप हॉस्पिटल, हमारा ये अल हयात हॉस्पिटल ICCU LLP जो ग्रुप है ये उसको रन कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल में हमने कभी किसी पेशेंट्स को या डिपॉजिट के लिए तंग किया है या उसको डिस्चार्ज के लिए तंग किया है। आप हमारा रेपो, आप चाहिए तो हमारा रेपो देख लीजिए, वहाँ पर हमने किसी भी पेशेंट को कोई किसी तरह से तंग नहीं किया है और जितना कोऑपरेट होता है हमारे तरफ से हम उसको पूरा कोऑपरेट करते हैं। सर, आज के हॉस्पिटल की ओपनिंग को लेकर के क्या विचार रखते हैं? सर देखिए, अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर हाशमी। जो हमने आज डे केयर स्टार्ट किया, अल हयात डे केयर, ये हमारा मकसद ये है कि बहुत सारी ऐसी इमरजेंसीज होती है जहाँ पर पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत होती है लेकिन पेशेंट एडमिशन नहीं ले पाते हैं, उस केस में हमने जो सेटअप डाला है यहाँ पर पेशेंट को मैनेज करके उसको इतना टाइम दे देंगे कि अगर वो यहाँ एडमिशन नहीं ले सकता है तो कम से कम बाद में जाके मैनेज करके कहीं भी सुकून से एडमिशन ले सके। किन किन बीमारियों का इलाज यहाँ पर हमने? सभी बीमारियों का इलाज रखा है, सभी तरह के सुपर स्पेशलिस्ट, जैसा भी आसिफ भाई ने बताया, हमने यहाँ पर ऑन्को का यानी कैंसर का भी पूरा सेटअप डाला है। हमने यहाँ पर IVF जो इनफर्टिलिटी, बच्चे बांझपन का जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए भी यहाँ पर सेंटर डाला है। दिमाग का, न्यूरो का वो रहेगा यहाँ पर, सारे सब तरह के फिजिशियन, सब तरह के सर्जन, इंशाल्लाह सारे डॉक्टर्स अवेलेबल है, सुपर स्पेशलिस्ट सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, जितना कार्डियक भी अवेलेबिलिटी है। डे केयर यहाँ पर रहेगा, मैनेज हम यहाँ पर करेंगे, एडमिशन अगर रिक्वायर्ड होगा तो हम जहाँ पर चाहेंगे शिफ्ट कर लेंगे। मुमरा की आवाम को किस तरह का मैसेज देंगे? मुमरा की आवाम को ये मैसेज है कि ये सेटअप जो हमारा मकसद है कि कभी भी कोई इमरजेंसी आती है आप परेशान ना हो, आप घबराएं नहीं, आप आराम से यहाँ आएँ, जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनको दिखाएं, अपनी ज़रूरत पूरी करें। अगर ऐसा है कि पेशेंट को एडमिशन का रिक्वायरमेंट है तो हम सही जगह पर उसको शिफ्ट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, और अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो यहीं से मैनेज करके घर भेज देंगे। बोलो बात। इमरान भाई, आज जिस तरह से अल हयात हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई है और आसिफ भाई के द्वारा ये भी बताया गया है कि सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी अवेलेबल रहेंगे, कैसा लग रहा है आज की ओपनिंग को देखते हुए और किस तरह का मैसेज आप उमरा की आवाम को देंगे? उमरा की आवाम को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये अल हयात जो हमने हॉस्पिटल देखे शुरू किया है, ये सुपर स्पेशलिटी शुरू किया है। जैसे हमारे मुमरा में बहुत से सुपर स्पेशलिस्ट नहीं मिल पाते हैं, लोग मुंबई जाते हैं, थाने जाते हैं, बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन यहाँ हम कम से कम रेट में उनको वो मतलब अपना फैसिलिटी सहूलियत प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे।